हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यूनिट क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और फार्मूला जानेंगे फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई, जहाँ पर वाई हमारे पास होता है डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर एरिया और मास, यानी ये गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। किसी भी बॉडी में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर एरिया और मास, यानी उसके एरिया या मास का टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मास और एरिया की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऑफ इट सी जी फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई वाई वाई एक्सिस है, हमें इसके सापेक्ष में क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी बॉडी का। ये आप मान लीजिए कोई बॉडी है, ये देखिए इसका कोई मास एम है और इसका एरिया ए है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहाँ पर डेफिनेशन से आप इसको समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जो इसका मास या एरिया होगा उससे जो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसे, जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मास और एरिया को। तो आप यहाँ पर देखिए, आई इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जहाँ पर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो परपेंडिकुलर जो दूरी है उससे हम क्या करेंगे, उसके वर्ग से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जहाँ पे एम हम एरिया की जगह क्या बदल रहे हैं, केवल मास बदल रहे हैं बॉडी का, इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, यदि हम आई वाई वाई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें वाई वाई एक्सिस के सापेक्ष में, तो हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल एरिया होगा सिग्मा ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वाई वाई एक्सिस से। देखिए ये जो हमारी वाई वाई एक्सिस है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये हम क्या लेते हैं एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इस डिस्टेंस को, तो सिग्मा ए इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप सिग्मा ए की जगह सिग्मा एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मास इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्स स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब आप देखिए, यदि हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिग्मा ए इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यदि हमें इधर कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस एक्स एक्स एक्सिस पर, तो जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है से जिसकी जो दूरी होगी, ये हम क्या ले लेंगे, वाई दूरी ले लेंगे। तो क्या होगा, सिग्मा ए इंटू वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एम इंटू वाई स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा एम क्या है, मास है। इसको आप एम भी लिख सकते हैं, पूरा एम भी लिख सकते हैं, और इसको फिर पूरा ए भी आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एम को आपने पूरा कंसिडर कर दिया, मास एम कंसिडर कर दिया। ये सिग्मा एम जो है वो एल्जेब्रिक सम है ऑफ ऑल मासेस ऑफ द रिजिड बॉडी। इस प्रकार आप समझ गए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट होता है एरिया या मास का टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस, जहाँ पर एक्सिस क्या हो सकती है, वाई वाई एक्सिस हो सकती है और एक्स एक्स एक्सिस हो सकती है। अब आप देखिए, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखें, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ मीटर टू द पावर 4 और mm की पावर 4। क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया की पावर क्या होती है। आप देखिए, एरिया की पावर हमारे पास होती है, एरिया की जो यूनिट होती है, पावर नहीं यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर या एम एम स्क्वायर। और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। और हमें यहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्टेंस का भी स्क्वायर किया है, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4 हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पे एम एम लेंगे तो एम एम टू दी पावर 4। तो आप समझ चुके हैं कि यूनिट कैसे हमने निकाली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम देखेंगे फार्मूला रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, कि हम इन सेक्शन के लिए
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाई कि जो डिस्टेंस है आउटर लेयर की फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम ये जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स, ये देखिए जो ये है एक्स एक्स है, और आई वाई वाई पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो बी है वो क्या ली है, विड्थ, ये क्या है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन, और जो डी है वो डेप्थ है रेक्टेंगुलर सेक्शन की। तो अब आप यहाँ पर देखिए आई एक्स एक्स, यदि जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स एक्सिस पर, तो हम कैसे निकालेंगे, बी डी क्यूब बाय 12, ये आपको याद रखना है, जहाँ पे बी विड्थ है और डी डेप्थ है, बी इंटू डी की क्यूब बाय 12। और यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें वाई वाई एक्सिस पर, यानी वाई वाई एक्सिस पर यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो उसका फॉर्मूला होगा डी बी क्यूब, डी जहाँ पर डी क्या है डेप्थ, इंटू विड्थ की क्यूब बाय 12। अब आप यहाँ पे देखिए जो वाई होगा, आप इसे वाई मैक्स भी लिख सकते हैं, वाई मैक्स का मतलब होता है कि क्या डिस्टेंस है आउटर लेयर की फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर आप देखिए इसकी टोटल डेप्थ डी है, और जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस है इसके हाफ से पास आउट कर रही है, तो जो इसकी वाई मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, डी बाय 2, यानी डेप्थ का हाफ। तो अभी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए समझ चुके हैं। अब आप देखिए हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी अगर हमारे पास कोई हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हो इस प्रकार से, देखिए जो बीच में से खोखला हो, तो आप देखिए जो ये बड़ा वाला जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, इसकी जो विड्थ है वो बी है, स्मॉल बी है, जो हमारे पास जो आउटर जो रेक्टेंगल है उसका डाया कैपिटल डी है, जो इंटरनल डाया है रेक्टेंगुलर का सेक्शन का वो स्मॉल डी है। अब आप देखिए हम कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ए या आई एक्स एक्स, ये क्या है एक्स एक्स के दरमियान मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए आप, बी डी क्यूब बाय 12, कैपिटल बी इंटू डी क्यूब बाय 12 माइनस जो स्मॉल बी है, जो इंटरनल जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, बी डी क्यूब बाय 12 हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी डी बाय 2, क्योंकि ये जो टोटल डेप्थ है वो डी है, और जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो दूरी है आउटर लेयर की वाई, वो कितनी होगी हमारे पास डी बाय 2, यानी ये जो है हमारे पास वाई ये होगा हमारे पास डी बाय 2, ये देखिए। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है इसके लिए भी। अब हम देखते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर सेक्शन है और एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। ये देखिए जो सर्कुलर सेक्शन होगा उसका एक डायमीटर होगा डी, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के लिए क्या होगा इक्वल होगा, तो इसके लिए क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी टू दी पावर 4/64, ये हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन। अब आप देखिए हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास I इज इक्वल टू पाई बाय 64, आप कॉमन ले लीजिए, इंटू डी टू दी पावर 4 इन माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं पाई बाय 64 इंटू डी टू दी पावर 4 माइनस पाई बाय 64 इंटू स्मॉल डी टू दी पावर 4, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब आप देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ट्राइंगुलर सेक्शन। अब आप देखिए हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एन ए पर है, न्यूट्रल एक्सिस पर है, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब आप देखिए जो इसका जो बेस है वो बी है और जो इस ट्राइंगल की हाइट है वो एच ए है हमारे पास, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और एन ए के अबाउट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बी इंटू एच की पावर क्यूब बाय 36, और वाई मैक्स हम कैसे निकालेंगे, वाई मैक्स हम फाइंड आउट करेंगे 2/3 इंटू एच, यानी जो हमारे पास आउटर लेयर है उसकी डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या न्यूट्रल एक्सिस से, तो क्या है हमारे पास 2/3 h। तो यहाँ पर जो हमने सभी फार्मूलाज डिस्कस किए हैं कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो आउटर लेयर की डिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी को मतलब याद होनी चाहिए, जब आप बेंडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब आप बेंडिंग थ्योरी के, तब आपको इसमें बहुत ही नॉलेज चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और वाई मैक्स की। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में कि उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सेम सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए हम उसे देखेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो
तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।